हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आशीष सरदार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टेक्निकल ज्ञान में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप शॉर्ट ट्रिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं वर्ड में और उनको कैसे यूज़ में ले सकते हैं, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप वर्ड में फिलेबल फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना हुआ तो उसको कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेवलपर टैब। तो उस डेवलपर टैब में आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना और हो सके तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वर्ड फाइल तो ओपन कर लिए। यहाँ पर मैंने को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कुछ डिटेल पहले से ही लिख रखी है ताकि फटाफट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इमेज का एक लिख रखा है, उसके बाद नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर, सिटी, उसके बाद कंट्री, मैरिटल स्टेटस और यहाँ पर लिख रखा है मैंने स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी फील्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको डेवलपर टैब को कैसे यूज़ करना। अगर आपको यहाँ पर डेवलपर टैब दिख रहा हो तो ठीक, अगर नहीं हो तो आपको फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन के क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेवलपर टैब का जो ऑप्शन होगा वहाँ पर टिक कर देना है, तो उसे आपके यहाँ पर शो करने लगे। अब आपको बताता हूँ कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो आपको डेवलपर टैब में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला अपना इमेज का पोर्शन है, तो यहाँ पर अपन जो इमेज वाला आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपन ने यहाँ पर इमेज इंसर्ट करेंगे, इमेज मतलब वो इमेज का वर्शन आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा। अब इसको अपन को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट ही रखना है। तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट डिज़ाइन मोड को क्लिक कर दीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप कुछ भी टाइटल दे दे सकते हैं। जैसे मैं टाइटल देता हूँ यहाँ पर अटैच इमेज या अटैच फोटो, इस तरह से अटैच इमेज दे देता हूँ और मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो ये अपना एक फील्ड कम्प्लीट हो गया। सिमिलरली जैसे अपन यहाँ पर नेम है तो नेम की जगह अपन को टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा, तो अपन यहीं से सेम ऊपर जाएंगे। यहाँ पर दो तरह के टेक्स्ट होते हैं, एक रिच टेक्स्ट और एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं चलो रिच टेक्स्ट को यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर नेम आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, सेम वही डिज़ाइन मोड को ऑन रहने दीजिए और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। यहाँ प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद टाइटल में दे देंगे टाइप नेम हियर, इस तरह से अपन इसका टाइटल दे देंगे और उसको वापस से ओके पर क्लिक करेंगे। ये हो गया सेकंड पोर्शन। उसी तरह से ईमेल में भी करेंगे और फ़ोन नंबर में भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर अपन को टेक्स्ट ही चाहिए होगा, तो अपन इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए सेम टू सेम मैं वही चीज़ करूँगा, प्रॉपर्टी में जाऊँगा, यहाँ पर कोई भी टाइटल जैसे कि टाइप ईमेल हियर है, टाइप हियर, इस तरह से कोई भी दे दिया, ओके किया। सेम टू सेम वही फ़ोन नंबर में क्योंकि अपन को नंबर ही टाइप करना है। यहाँ पर मैं आपको इसमें सारे डेवलपर टैब में जो भी ऑप्शन है सारे बताऊंगा, तो आप इसको एंड तक देखिए, कोई भी पॉइंट मिस मत करिए। तो यहाँ पर देखिए जी ये सेम इधर टाइप लिख देता हूँ, टाइप मोबाइल नंबर, इस तरह से लिख के मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये अपनी हो गई, ये अपने फ़ोन नंबर तक क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप जेंडर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्रिएट करने पड़ेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक तो कॉम्बो आता है और एक ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर अपन ड्रॉप डाउन यूज़ करते हैं। कॉम्बो को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे, तो उसको ध्यान से देखिए, प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप कॉम्बो पे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, सेम वही प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, टाइटल देंगे कोई भी, जैसे कि टाइटल दे सकते हैं कि टाइप जेंडर हियर या टाइप हियर, इस तरह से कोई भी दे दिया मैंने। उसके बाद यहाँ एड पर क्लिक करेंगे, एड में आप जैसे कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला मेल दे दिया, उसके बाद वापस से मैं एड पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं फीमेल दे देता हूँ। तो इस तरह से आपको ऐड करते जाना है, जितने ऑप्शन चाहे आप उतने सेट कर सकते हो। जिस तरह के आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और उन कंट्रियों वगैरह की लिस्ट आप देखते हो, सेम टू सेम ये वही प्रोसेस है। तो यहाँ पर अपन ट्रांसजेंडर भी लिख दिया मैंने, ओके पर क्लिक करूँगा, ये तीन फील्ड अपन ने भर दी। अब सिटी, सिटी में भी आपको ड्रॉप डाउन चाहिए होता है या आप मैनुअल टाइप कर सकते हो, तो सेम मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन ही यूज़ करता हूँ। फिर मैं आपको जहाँ पर कंट्री आएगी वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कॉम्बो कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूँगा, सेम वही करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, डिज़ाइन मोड आप याद रखना कि आपको ऐड ही रखना है ताकि अच्छा सा उसमें आपको शो करेगा। बाकी आपको डिज़ाइन मोड नहीं रखोगे तो वो आपके जो टाइटल आप यहाँ पर लिख रहे हो वो शो नहीं करेगा। यहाँ पर मैं अपनी जैसे कि मेरी सिटी में उदयपुर में रहता हूँ तो मैं उदयपुर ऐड कर देता हूँ, फिर ओके करूँगा, फिर ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं पुणे ऐड कर देता हूँ। इस तरह से मैं ऐड करते जाऊंगा, यहाँ पर मैं तीन या चार कर देता हूँ। जैसे मैंने मुंबई लिखा,
इसको भी ऐड कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक पटना लिख देता हूँ, जो मुझे अभी याद आ रही है वो मैं लिख देता हूँ, जैसे कि 4 से 5। आप एक बार समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो और मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंट्री में जाना है। यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे कॉम्बो। कॉम्बो इनका मैं प्रैक्टिकल जब इस फॉर्म को फिल करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा इसका प्रैक्टिकल में क्या यूज़ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मेरे कंट्री गए, सेम टू सेम प्रॉपर्टीज़ में गए, सेम टाइटल देंगे उसी तरह से, कोई भी आप टाइटल देना चाहो, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर भी टाइप हियर या टाइप, ठीक है। उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड में जाने के बाद अपन यहाँ पर कंट्री, जैसे कि मैं इनिशियल ले लेता हूँ, जैसे कि इंडिया हो गया। उसके बाद यहाँ पर यूएसए, यूके, रशिया, इस तरह से मैं लेता जाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया यूके, उसके बाद मैं ले लेता हूँ एक यूएसए ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। उसके बाद मैं चाइना ले लेता हूँ, तो उसका CH मैं इनिशियल इनिशियल टाइप कर देता हूँ ताकि फटाफट आपको समझ में। उसके बाद RU यानी कि रशिया का कर दिया और इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया। उसके बाद यह मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर आपको क्लिक करने का मतलब ऑप्शन देना पड़ेगा कि यहाँ पर सिंगल मतलब कोई भी एक सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको जाना है, ये जो इसके जो पास लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेगेसी टूल में आपको जाना है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे कि मैं एक्टिव एक्स कंट्रोल में यहाँ पर मैं डॉट वाला सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन बटन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आप सिंगल या मेरे लिए, ये मैंने पहले ही लिखे थे ताकि मेरे को थोड़ा इजी रहे कि क्या मेरे को डालना है, इसलिए आपको पहले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बटन की प्रॉपर्टी में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। कैप्शन की जगह मैं यहाँ पर सिंगल लिख दूंगा, तो इस तरह से ये एक फील्ड अपनी हो जाएगी। सेम टू सेम यही मैं करूँगा, फिर मैं इन जो भी यही इसको ओके कर देंगे और इसको यहाँ से कट कर सकते हैं चाहे तो। मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं सेम टू सेम मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा, और स्पेस देने के बाद यहाँ पर मैं वापस से स्पेस देने के बाद ये सेम वापस उसी में जाएंगे लेगेसी टूल में। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक जैसे ऑप्शन बटन अपन ने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, सेम वही कैप्शन बटन की यहाँ पर मैं मेरिट लिख दूंगा। तो इस तरह से अपन इसमें ऑप्शन बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ चेकबॉक्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे कि मैंने येस नो इनको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से एक बार, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सेम टू सेम वहीं पर अपन कर्सर सेलेक्ट किया, अपने लेगेसी टूल में गए, यहाँ पर आपको फिर से वही जाना है लेगेसी टूल में, और यहाँ पर इस बार अपन चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको दोनों भी मैं यूज़ करके बता दूँ। सेम टू सेम वही जाना है आपको, यहाँ पर जाना है कैप्शन में, प्रॉपर्टीज़ में जाके कैप्शन में, और यहाँ पर येस लिख देंगे, सेम उसी तरह से स्पेस देके, और अपन सेकंड चेकबॉक्स यूज़ करेंगे, और अपन सेम टू सेम वहाँ पर भी नो या येस जो भी अपन को लिखना होगा अपन उसको सेट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने सेकंड चेकबॉक्स भी ले लिया, और यहाँ पर चेकबॉक्स के अंदर अपन नो लिख देते हैं, और इस तरह से अपन ने ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक फील्ड रह गई जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, मैं आपको बता दूँ डेट ऑफ बर्थ, तो ठीक है, तो मैं DOB करके इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना होगा डेट पिकर, तो सेम यहाँ पर डेट पिकर लिखा है, और यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा ये डेट पिकर कंटेंट कंट्रोल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेम, और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पर भी आप चाहो तो कोई भी टाइटल दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर टाइटल चाहो तो ज़रूरी दे सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरह से दिखेगी, ठीक है। अगर आप टाइम सेलेक्ट करते हो तो टाइम, और डेट होती है तो डेट, तो वो किस तरह से आपको दिखेगी। तो मैं इसमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं डेट मंथ ये दिखेंगे, फिर आप ईयर वगैरह ट्यू आपको जो डे होगा वो भी आपको शो कराना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ से आप कुछ स्टैंडर्ड है इसके डेट चेंज कर सकते हो, इनको मैं अभी नहीं छेड़ रहा तो इनको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर आप जैसे मैं कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कोई सा भी एक जैसे ये मैंने डेट और टाइम वो उस तरह से मैंने उसको सेट कर दिया, और यहाँ पर ये हो गया अपना फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल और करके इसको ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करने से क्या होगा कि कोई भी इसको अब एडिट नहीं कर पाएगा, अगर अपन जैसे चाहते हैं तो इस आप चाहे तो इसको अनग्रुप करके कर सकते हैं। अब इस फॉर्म को मैं सेव करता हूँ यहाँ से, और येस पर क्लिक करता हूँ, इस तरह से फॉर्म सेव हो जाएगा। अब मैं वापस से इस फॉर्म को ओपन करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म ओपन हो चुका है। अब मैं आप इसको फिल करके बताता हूँ कि आप उसको कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस पर इमेज पर क्लिक किया और फ्रॉम ए फाइल, तो यहाँ पर जैसे कि कोई भी मैं एक इमेज अपने डेस्कटॉप से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर वैसे मेरे पास बहुत सारे लोगो है, तो मैं यहाँ पर फेसबुक के लोगो ही ले लेता हूँ और उसको इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये इमेज आ गई। उसके बाद आपको नेम टाइप करना है, तो मैं यहाँ पर अपना नेम टाइप कर देता हूँ,
आप सीधा ही डायरेक्ट यहाँ पर नेम टाइप कर दे, और ठीक है ये हो गया अपना नेम टाइप। उसके बाद ईमेल, तो यहाँ पर मैं xyz@gmail.com इस तरह से एक ईमेल टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ईमेल टाइप कर दी। उसके बाद फ़ोन नंबर, तो मैं अपने जेन्युइन फ़ोन नंबर ही टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर टाइप कर लूँगा 7726801369, ये मैंने फ़ोन नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जेंडर, जेंडर में भी आप जैसे कि आपके पास ऑप्शन है ड्रॉप डाउन, तो आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो यानी मेल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद सिटी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सिटी में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप कोई टाइप नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो कि आपकी सिटी यहाँ पर शोर नहीं कर रही है, तो आप इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर दिया यूके, देख सकता हूँ, और अगर नहीं हो तो मैं जैसे कि मेरे को अब जैसे कि चेंज करना है, यहाँ पर मेरी कंट्री नहीं दे रखी है, तो मैंने UAE, तो ये यहाँ पर अपन ने सेलेक्ट किए हैं, वो कर सकते हैं। यहाँ से अपन टिक वगैरह जो भी करना चाहे कर सकते हैं, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में अपन डेट पिकर का यूज़ करके डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन है कि इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से ये फॉर्म बनाया जाता है। ये फॉर्म एडोबे एक्रोबेट में भी बना सकते हैं, इसी तरह से अच्छे से और सेम टू सेम ही बनता है वो। अगर आपको सीखना हो तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।